हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं अभी और आप देख रहे हैं TRF रिव्यू। सीरीज 6 का सबसे लेटेस्ट और नया क्लोन कॉपी और एक हमारे पास आ चुका है। इसके मॉडल नंबर की बात करें तो इसका मॉडल नंबर है HW16। आज हम इसका अनबॉक्सिंग और फुल रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलते रहे और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप इसका बॉक्स देख रहे हैं, व्हाइट कलर का बॉक्स है। यहाँ पे लिखा गया है HW16 और हमारे पास जो मॉडल है वो ब्लैक कलर का है। तो चलिए इसे अनबॉक्सिंग करते हैं। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में कुछ भी नहीं दिया गया है। जैसे हमने बॉक्स ओपन किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे प्रोडक्ट रखा गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसे हम साइड में रखते हैं। इसके अंदर और एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्टेक बैंड दिया गया है, एक मैन्युअली गाइडलाइन दिया है जो किस तरह से यूज करना है वो सारी डिटेल्स हमें बताता है। और एक चार्जिंग केबल दिया गया है। अगर चार्जिंग केबल की बात करें तो इसमें USB टू मैग्नेटिक चार्जिंग केबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। काफ़ी इजी से चार्जिंग करना। तो चलिए हम आते हैं हमारी वॉच की तरफ। फर्स्ट हम इसका रैपिंग निकाल दें। अब हम बात करते हैं अपने स्टेप बैंड की क्वालिटी की। स्टेप बैंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छा दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। काफ़ी सॉफ्ट है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं दिया गया है ये। चलिए हम इसे सेटअप कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, काफ़ी इजीली इसे सेटअप करना। जैसे कि आप देख सकते हैं, सेटअप हो चुका है इसका स्टेप बैंड। थोड़ी देर तक हमें ये बटन प्रेस करके रखना है, वॉच हमारा स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, जैसे कि आपको मैंने बताया, मैंने वॉच सेटअप कर लिया है, स्टेप बैंड भी लगा लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन का नाम है वेयरफिट प्रो, तो आप वो डाउनलोड कर लेना। मैंने डाउनलोड करके इसको वॉच को कनेक्ट कर लिया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके एप्लीकेशन डाउनलोड मैंने कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं वॉच की। वॉच की डायल की बात करें तो काफ़ी अच्छी तरह से दिख रहा है। इसका स्क्रीन टच की बात करें तो स्क्रीन टच भी काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल भी डिले या इस तरह का कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। मटेरियल की बात करें तो यहाँ पे जो बॉडी दिया गया है वो टोटली मेटल है। और बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पूरा प्लास्टिक यूज़ किया है, कार्बोनेट प्रोडक्ट की तरह। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका फेस वॉचेज आपको चेंज करना है तो यहाँ पर आपको थोड़ी देर तक प्रेस करके रखना है। आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे अभी ये पसंद है। तो ये हो चुका है सेटअप। चलिए इसका राइट, अगर हम ऊपर से इसको स्वाइप करते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरह से ऑप्शन यहाँ का आता है। ब्राइटनेस का ऑप्शन है, पावर ऑफ का बटन है, सेटिंग का ऑप्शन है और लॉक करने का भी ऑप्शन है। कितना पावर इसमें अभी चार्जिंग है वो भी आपको दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, 67% अभी इसमें चार्जिंग है। टाइमिंग है, बाकी सब डिटेल्स भी यहाँ पे शो कर रही है। अगर हम नीचे से स्वाइप करते हैं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगी। नोटिफिकेशन मैंने चेक कर ली है, सारी नोटिफिकेशन इसके अंदर मुझे बताती है, जैसे कि व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, बाकी सब डिटेल्स आपको मिलने वाली है इसके अंदर। अगर दोस्तों हमें इसे लेफ्ट हैंड साइड से स्वाइप करते हैं तो आपने कौन कौन सी एप्लीकेशन यूज़ की थी वो सारी डिटेल्स, और यहाँ पे आपका QR कोड आ जाएगा जिसे आप स्कैन करके इस फोन को, वॉच को आप कनेक्ट भी कर सकते हैं और ब्लूटूथ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम राइट हैंड साइड से स्वाइप करते हैं तो हार्ट रेट का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, आपका डाटा मिलेगा टोटली, आप कितने घंटे सोए, कितने घंटे वर्कआउट किया, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद वाला जो ऑप्शन है वो वेदर का ऑप्शन है। उसके बाद आपको जो भी ऐड करना है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कस्टमाइज ये ऑप्शन दिया गया है, काफ़ी अच्छी बात है इस वॉच के अंदर। अगर हम नीचे से स्वाइप करते हैं तो वो मैं आपको बताया था, नोटिफिकेशन आपको सारी मिल जाएगी। अगर आपको इसका मेनू ओपन करना है तो यहाँ पे आपको टच करना है, जो राउट बटन दिख रहा है, जैसे कि आपको इसे आप टच करके वैसे इसका टोटली मेनू आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे। जैसे कि आप देख सकते हैं, ब्राइटनेस का ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि अभी इसका ब्राइटनेस फुल है। आपको अगर कम करना है तो आप माइनस पे क्लिक कीजिए, अभी मैंने फुल कर दिया है।
पावर ऑन ऑफ का भी बटन दिया गया है इसके अंदर, नोटिव मैसेज के भी ऑप्शन दिए गए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले, हार्ट रेट का ऑप्शन दिया गया है, SPO2 का भी ऑप्शन दिया गया, तो ये काफ़ी अच्छी बात है अभी की जनरेशन के टाइम पे। इसमें आपको कैमरा का भी ऑप्शन दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, पिक्चर कलेक्ट करना है आपको शेक करना है, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है आप शेक करेंगे ऑटोमेटिक आपके कैमरे में आपके मोबाइल में क्लिक हो जाएगा फोटो। स्टॉप वॉच का भी ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर, कैलकुलेटर भी दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, म्यूजिक प्लेयर कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप फोन में प्ले करते हैं यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं म्यूजिक को। वेदर का ऑप्शन भी दिया गया है यहाँ इसके अंदर, स्लीपिंग मोड का भी ऑप्शन दिया गया है, आप कितने घंटे डीप में सोए, कितनी देर तक सोए, वो सारी डिटेल्स आपको बताएगा। आपको ये पर डे, वीकली और मंथली, ये तीनों ऑप्शन में अवेलेबल है, तो काफी अच्छी बात है इस वॉच की। अगर आप इस चैनल पे नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए हम इसका हार्ट रेट चेक कर लेते हैं, एग्जैक्टली एक्यूरेट बताता है क्या नहीं। वॉच हमने पहन ली है, काफी टाइट पहननी है आपको तभी आपको एग्जैक्टली बता पाएगा ये। जैसे ये आप देख सकते हैं काफी स्टाइलिश लुक दिया गया है वॉच का, जैसे हम ऊपर करते हैं स्टार्ट हो चुकी है इसकी स्क्रीन। आपको ये चेक करने के लिए वॉच आपको टाइट पहननी पड़ेगी तभी एग्जैक्टली आपको ये बताएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दिखा दिया है मेरा हार्ट रेट, और पीछे आप देख सकते हैं इसका सेंसर स्टार्ट हो चुका है जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब SPO2 भी चेक करके देख लेते हैं एक बार, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने SPO2 भी चेक कर लिया। अगर आपको नहीं दिखा रहा तो वॉच को थोड़ा सा दबा के रखिए तभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं SPO2 भी दिखा रहा है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं 97-98 बता रहा है, मतलब एक्यूरेट नहीं बता सकता पर 95% एग्जैक्टली बताता है, मैंने चेक करके भी देखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके सेंसर्स, चार्जिंग पॉइंट की बात करें तो मैंने जैसे कि बताया था यहाँ से इस चार्ज तरीके मैग्नेटिक चार्जिंग दिया है, वो यहाँ पे जस्ट आपको प्लगिंग करना है, चार्जिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। वॉच रिगार्डिंग जो भी डिटेल्स थी मैंने आपको सारी बता दी है। हम आता इसके एप्लीकेशन की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हैं एप्लीकेशन मैंने इसका स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लिख के आ चुका है HW16 जो हमारी वॉच का नाम है, आपकी सब डिटेल्स यहाँ पे, जैसे कि इसका ये होम पेज है। ब्लड प्रेशर आपको बताएगा, SPO2 का भी ऑप्शन बताया था मैंने आपको चेक करके, हार्ट रेट का भी ऑप्शन है, स्लीपिंग मोड का भी ऑप्शन है जैसे कि आपको मैंने बताया था, पर डे वीकली मंथली भी बताता है और वो ईयरली भी बताता है। ये मुझे अभी पता चला है, जस्ट ईयरली भी बताया था पर आई थिंक ये एग्जैक्टली बता पाएगा कि नहीं वो मुझे नहीं पता, पर डेली वीकली और मंथली परफेक्टली बताता है ये। मैंने काफ़ी सारी वॉच में इसका ट्राई कर लिया है। स्पॉट रिकॉर्ड भी आप इसे चेक कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, ये वर्कआउट का ऑप्शन है, आप इसकी सारी डिटेल्स भर सकते हैं, वॉकिंग आप कितने घंटे तक चले, साइकिलिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, क्लाइंबिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है इस वॉच रिगार्डिंग। थर्ड ऑप्शन जो दिया गया है वो डिवाइस का दिया गया है, हम डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको वो फ्रिस वॉचेस चेंज करने हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मोर पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए, जो फर्स्ट आते हैं ये हमें परचेस करने हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं $1 का ये परचेसिंग है, पर आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको नीचे आना है, लोडिंग हो रहा है थोड़ा सा वेट कीजिए। ये जो है ये सारे हमें फ्री मिलते हैं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि भी मैंने वॉच परचेस कर ली है और वो शायद टेंशन में हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, नीचे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फेस वॉचेस हैं, ये टोटली फ्री में जो स्टार्टिंग में ऊपर हमें दिखाई गए थे वही सिर्फ उसके लिए हमें पे करना है, जिससे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है $0.16 तो इसे हमें पे करना है। अभी चलिए हम आपको इंस्टॉल करके भी दिखा देता हूँ एक, जैसे कि हमें ये इंस्टॉल करना है, ये डाउनलोड हो रहा है, अभी हम इसे इंस्टॉलिंग कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टार्ट हो चुका है, दोस्तों जैसे कि मैंने ये इसको इंस्टॉल किया था और ये वॉच में आ चुका है फेस वॉच, जैसे कि आप देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है मुझे, काफी यूनिक इसके अंदर दिए गए फेस वॉचेस, अभी भी डाउनलोड हो रहे हैं,
काफी सारे फेस वॉचेस इसके अंदर दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी भी डाउनलोड हो ही रहा है। तो आपको जो भी कस्टमाइज करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर आपको कस्टम करना है तो मैं आपको बता दूँ वो किस तरह से करना है। हम आ चुके हैं थर्ड ऑप्शन पे डिवाइस में, यहाँ पे हमें वॉच फेसेस लिखा है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो एडिट का ऑप्शन है ये एडिट में जाके हमें कस्टम करना है। जैसे कि मैंने ये कस्टम किया था, मैं आपको यहाँ से एक बार चेंज करके बता देता हूँ किस तरह से मैंने किया था। चलिए इसे इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार, जैसे कि आप देख रहे हैं इंस्टॉलिंग हो रहा है इसका। दोस्तों जैसे कि इंस्टॉलिंग हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं वॉच पे फेस आ चुका है जो अभी हमने इंस्टॉल किया था। अगर आपको इसको और भी कोई जो दिख रहा है आपको डेट या ऐसा कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टाइल पे क्लिक कीजिए, आप अलग अलग चेंज कर सकते हैं। पोजीशन में भी ऑप्शन दिया गया है। फेस वॉचेस का जो भी डिटेल था मैंने सारा आपके साथ शेयर किया है, आपको परचेस ही नहीं करना है तो वो भी मैंने आपको डिटेल बता दी है सारी। लास्ट वाला जो ऑप्शन आता है, अगर हम नोटिफिकेशन यहाँ से कौन कौन से अलाउ करना चाहते हैं वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। वेदर का ऑप्शन है, अलार्म का भी ऑप्शन दिया गया है, टेकिंग पिक्चर मैंने आपको बताया था वॉच के अंदर भी सेटिंग दिया गया है, अदर सेटिंग के ऑप्शन भी दिए गए हैं, अगर आपको 12 घंटे 24 आवर्स वो भी सारी डिटेल्स आपको दी गई है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो वॉच रिगार्डिंग सारी डिटेल बताएगा, QR कोड स्कैन करने के लिए दिया है यहाँ पे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का भी डिटेल दिया गया है, अब यहाँ से आपकी सारी डिटेल यहाँ से भर सकते हैं। अगर हम इसके सेंसर की बात करें तो दोस्तों मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, सेंसर इसका 90-95% ही बताएगा। अब इसके वो SPO2 या फिर हार्ट रेट पे मत जाना, पर जो भी दिखा रहा है वो प्राइस के हिसाब से काफी कंफर्टेबल दिखाता है। दोस्तों HW16 रिगार्डिंग जो भी सारी डिटेल्स थी मैंने वॉच की भी आपको बता दी और एप्लीकेशन की भी सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर करी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए भी ऐसी नई नई वीडियो लाता रहूं। थैंक यू सो मच।